अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफत मैम और आज हम पढ़ेंगे जमात आठवीं के उर्दू की नज़म मेरा वतन, जो लिखी है शफीउद्दीन नीर ने। तो बच्चों, शायर मेरा वतन नज़म में वतन की तारीफ़ करते हुए कहता है कि मेरा वतन सबसे अच्छा है। मेरे वतन में तरह तरह के परिंदे मौजूद हैं, इसके अलावा झीलें, झरने और दरिया हैं, सरसब्ज जंगल और पहाड़ हैं। मेरे वतन में तरह तरह के मेवे और फसलें उगती हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली मौजूद हैं। मेरे वतन की ज़मीन जरखेज़ हैं। शायर कहता है कि मुझे अपने वतन की खूबसूरती देखकर जन्नत का गुमान होता है, क्योंकि मेरे वतन में हर किस्म की खूबियां मौजूद हैं। तो पढ़ते हैं ये नज़म मेरा वतन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़ियाँ, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरियाओं का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन। शायर इस नज़म के पहले बन में वतन की तारीफ़ करते हुए कहता है कि मेरे वतन में तरह तरह के परिंदे मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ दिल को खुश करती हैं। मेरे वतन में झीलें, दरिया, झरने और सरसब्ज जंगल और पहाड़ मौजूद हैं। वो गले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा कियारियाँ, ज़मीनें, वो जरखेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन। शायर कहता है कि मेरा वतन अल्लाह ताला की अता करदा नियामतों से माला माल है। मेरे वतन में तरह तरह के मेवे, अनाज और तरकारियाँ उगती हैं, क्योंकि मेरे वतन की ज़मीन काफ़ी जरखेज़ है। पहाड़ों का मंज़र, बनों का समा है, उनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, हैं फिरदोस का इस चमन पे गुमा, ये बागे इरम है, ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। इस बन में शायर कहता है कि मेरे वतन में हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और इन पहाड़ों में हज़ारों चश्मे बहते हैं। शायर कहता है कि कहाँ तक मैं अपने वतन की खूबियों को बयान करूँ, मुझे अपने वतन को देखकर जन्नत का गुमान होता है। तो यहाँ पे अब कुछ अल्फाज माने हैं, ये देखते हैं। कुमरी, फाख्ता की कसम का एक परिंदा, इसकी आवाज़ नहायत गूंजदार होती है। चकोर, तीतर की कसम का एक परिंदा, इससे चांद का आशिक कहते हैं। बन, जंगल, सरसब्ज, हरा भरा, तर्व ताज़ा, गल्ला, अनाज, मेवे, खुशक फल, बादाम, अखरोट और किशमिश वगैरह, तरकारियाँ, सब्जियाँ, गुलकारियाँ, नक्काशी करना, गुल बूटे बनाना, फूल तराशना, सैराब, पानी से भरा हुआ तरोताज़ा, जरखेज़, जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती हैं, चश्मा, ज़मीन से उबलता हुआ पानी या सोता, रवां, बहता हुआ, फिरदोस, जन्नत, बहिश्त, गुमा, शक, शुबा, वहम, दिलकश, दिलपसंद, दिल को लुभाने वाला, बागे इरम, जन्नत का बाग, बागे अदन, जन्नत का वो बाग जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। तो यहाँ पे कुछ सवालात हैं, इनके जवाब देखते हैं। तो सवाल नंबर वन है, शायर ने नज़म में किन किन परिंदों का ज़िक्र किया है? तो इसका जवाब है, शायर ने नज़म में मोर, चकोर, कुमरी, कोयल, बुलबुल, चिड़ियाँ वगैरह वगैरह का ज़िक्र किया है। तो दूसरा सवाल है, दिलकश चमन किसको कहा गया है? तो इसका जवाब है, दिलकश चमन वतन को कहा गया है। सवाल नंबर तीन है, हैं फिरदोस का इस चमन पे गुमा, इस मिसरे से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, इस मिसरे से ये मुराद है कि वतन को देखकर जन्नत का गुमान होता है। फिरदोस जन्नत को कहते हैं।
सवाल नंबर 5 है, इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। तो इसका जवाब है, इस नज़म के शायर का नाम शफीउद्दीन नीर हैं। फिर है और एक सवाल, शायर इस नज़म में क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो इसका जवाब है, इस नज़म में शायर का ये पैगाम है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा वतन हर तरह की खूबियों से मालामाल है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज़।